इसमें प्रॉब्लम है कि ये इस तरह ऑटोमेटिक आ जा रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस वजह से आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑटो रिकवरी मोड में चला जा रहा है, आप रिबूट करिएगा। ये ऑटोमेटिक भी रिबूट नहीं हो चला जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका बैक पैनल खोलेंगे। बैटरी खोलेंगे और सेट को पहले ऑफ करेंगे। ये हमारा इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ से रबट है इसको निकालेंगे। तो ये हमारा बहन करेंगे स्विच। ये हमारी डिस्टर्ब कर रही है, इसके अंदर कार्बन आ जाने से ये रिकवरी मोड में आती है, तो हम लोग इसे चेंज करेंगे अब की। Thank you.
से काटते वक्त एक बात का ध्यान देना है कि ये जो सिल्वर कलर की है ये ना कट जाए, मतलब खासा ध्यान देना है आपको। इसको ध्यान से नहीं काटेंगे तो ये आपका फ़ोन, इसके प्रिंट अगर उखड़ गई तो आपको इसको जंपर करना पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये हमारा निकल चुका है पुराना वाला, तो हम लोग नया वाला इसको लगा देंगे। नोट 7 प्रो में अप और पावर की जब दबाइएगा तब रिकवरी मेनू में जाता है, ये ऑटोमेटिक रिकवरी मेनू में जा रहा है। तो ये हमारा फॉल्टी हो गया है ये स्विच, उसे चेंज करेंगे। चाहे तो मार्केट से पूरे पत्ता भी खरीद कर लगा सकते हैं, मेरे पास पत्ता भी अवेलेबल है। तो मैं इसे ही रिपेयर कर देता हूँ।
देखिए हमारा सक्सेसफुल है। देखिए सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रिक्स एंड ट्रिक लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने फ़ोन का ख्याल रखें।